प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया गया है। केंद्र सरकार ने आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गुमनाम नायकों को भी पहचान दी है। आजादी के बाद की जो सरकारें रही उनको वो नाम ठीक नहीं लगे तो उनका महत्व कम मिला, जिस महत्व के वो हकदार थे इतना महत्व नहीं मिला। मैं दो बड़े नाम तो उस जमाने के ले सकता हूं, एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ आप सबको पता है कि वो मान और सम्मान जो नहीं मिला। राजेंद्र प्रसाद जी जब उनका संस्कार हुआ था तब सब बुक्स में भी है, आपके भी ध्यान में है, मुट्ठी ऐसे राख उठाई थी सरदार पटेल साहब की उन्होंने कि ये राख एक दिन अमर होगी, और ये हुई। ये नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में केवड़िया में, जिसको अब एकता नगर भी कहते हैं, 182 फीट ऊंची प्रतिमा बना करके नरेंद्र मोदी जी ने वो मान और सम्मान सरदार पटेल जी को दिया जिसके वो हकदार थे। दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हर तरह की अपनी योग्यता दिखाई, संविधान निर्माण से लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिस पे उनका कोई आर्टिकल नहीं आया हो, उनकी कोई बुक नहीं आई हो। मानव शास्त्री से लेकर के, समाज शास्त्र से लेकर के, राजनीति शास्त्र से लेकर के, पत्रकार से लेकर के, लेखक से लेकर के, फिर भी 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण होता है और 90 में जाकर के भारत रत्न मिलता है, और तब मिलता है जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं होती है, यहां वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन देती है। पंचतीर्थ का विकास इस 9 सालों में हुआ, वो पंचतीर्थ जो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए स्थान थे, जन्म स्थान मऊ, दीक्षा भूमि नागपुर, परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली, चैत्य भूमि मुंबई और शिक्षा भूमि लंदन, उसके हकदार थे। इन स्थानों का विकास होना चाहिए था।